हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग मदर। सो आज मैं एक्चुअली जल्दी उठना चाहती थी क्योंकि मेरे विधान का बर्थडे है, वो आज 1 साल का हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात में लेट सोने की वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाए और विधान भी उठ गया मेरे साथ साथ, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि विधान मेरे बाद उठे ताकि मैं कुछ काम निपटा लूँ उससे पहले, लेकिन अब विधान उठ चुका है। फिर भी मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म करनी है क्योंकि फिर हमको जल्दी जल्दी रेडी होकर विधान को ब्रेकफास्ट करवा कर हमें मंदिर जाना है भगवान के दर्शन करने। तो विधान, सी हाय, सी हाय, सी हाय बर्थडे बॉय। ओके गाइस, तो मैं आप सबसे मिलती हूँ आफ्टर बाथ। उसके बाद मैं विधान का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और विधान को भी ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहती। तो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। सो ओके फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं एज यू कैन सी। तो अब मैं बस जल्दी से विधान को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी और आज उसका ब्रेकफास्ट है ओट्स। मैं उसके लिए क्वेकर के प्लेन ओट्स यूज़ करती हूँ, तो आज मैं उसको ओट्स खिलाऊंगी और उसके बाद फटाफट से मैं उसकी मालिश करके उसको फटाफट से बाथ के लिए लेके जाऊंगी और फिर मैं आपसे सीधा मिलूंगी जब हम मंदिर के लिए निकलेंगे। ओके, मेरे फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं और हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। ये मेरी दी का बेटा है और ये रहा विधान बर्थडे बॉय, अभी खेल रहा है ये। और ये मेरी दी के बच्चे हैं, ये और विधान अभी खेल रहा है। विधान, विधान देखो बेटा, बाबू 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 हाय कर दो, हाय कह दो, जय कर दो, जय कर दो, जय जय कर दो, जय। हम लोगों ने अभी बस खाना खाया है, लंच किया है और अब हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन क्या करूं, द डे वाज वेरी वेरी हेक्टिक क्योंकि इतने सारे लोग आए थे, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे दी जीजा जी, उनके बच्चे, मेरा अपना परिवार, मम्मी पापा भाई और आसपास के कुछ लोग, तो उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला और आखिरकार इतना टायरिंग डे हो गया है कि मैंने सोचा कम से कम वीडियो को एंड तो कर दूँ। तो बहुत अच्छा रहा विधान का फर्स्ट बर्थडे, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई कि अभी हुआ था, कब एक साल का हो गया पता ही नहीं चला, वो एक साल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। सो आई जस्ट विश उसकी जिंदगी में ऐसे साल आते जाएं और उसकी मुस्कुराहट और बढ़ती ही जाए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और आप लोग, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, एंड आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको फटाफट उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय बाय गाइज, हैव अ गुड नाइट।